अमृतसर में गूगल मैप्स की बात सुन के हम फंस चुके हैं, इतनी इतनी पतली पतली गलियों में। तो एडवाइस देना चाहेंगे सिकंदर आप कुछ के डोंट फॉलो जीपीएस। हम जा रहे हैं चंडीगढ़ से अमृतसर, तो हमने सोचा कि आपको भी थोड़ा सा अमृतसर दिखा दिया जाए, तो लेट्स गो। अब वेयर ऑन आवर वे, काफ़ी लेट हो गए हम। वी वर सपोज टू लीव एट 10:30 इन द मॉर्निंग और हम निकले हैं 12:30, तो काफ़ी लेट हो गए। तो हाँ, आज भी हम गुरुद्वारे जा रहे हैं। वी वेरी गुड चिल्ड्रन, यू नो, ऐसा कुछ नहीं है, बट इतनी दूर चंडीगढ़ आए हैं एंड वी हैड 2 free days, तो हमने सोचा कि अमृतसर भी हो आए। बड़ा टाइम हो गया कि गोल्डन टेम्पल नहीं गए, गोंदवाल साहब नहीं गए, तो पहला स्टॉप हमारा है गोंदवाल साहब अमृतसर में। और ये गुरुद्वारा एक्चुअली हम इसलिए जाते हैं क्योंकि मेरी मॉम वहाँ से थी। वो हमेशा ये सोचती थी कि उनको जो भी कुछ मिला है आज तक, वो उनकी प्रेयर्स जो उन्होंने की है गोंदवाल साहब में, उनसे मिला है। तो आई जस्ट वॉन्ट टू ऑनर इट, एंड तो इसीलिए हम पहले गोंदवाल साहब जा रहे हैं, वहाँ से हम गोल्डन टेम्पल के लिए निकलेंगे। सो होपफुली टाइम पे सब कुछ हो जाए, फिंगर्स क्रॉस। मुझे सीरियसली लगता है कि आई एम एन ओल्ड सोल फ्रॉम पंजाब। इतनी खुशी होती है ना पंजाब आके, दिल को मतलब सुकून मिलता है, जो बहुत बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। और ये हम आ गए हैं गोंदवाल साहब। यहाँ ना एक छोटी सी हट्टी है जहाँ हम बचपन से आ रहे हैं लंगर का सामान लेने। यहाँ से सामान लेते हैं और लंगर घर में देते हैं, और इतना अच्छा लगता है ना ये हट्टी पे आके, मतलब बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो मैं यही हट्टी पे आती हूँ। ये रहा सिकंदर, लंगर का सामान उठा के लेके जा रहा है लंगर घर। पहले हम लंगर करेंगे, बहुत भूख लगी है, और उसके बाद दर्शन करेंगे। कोई बात नहीं, चलता है। यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है, दिल को मतलब बहुत खुशी मिल रही है। यहाँ रोटी की सेवा हो रही है, अगर मेरे पास टाइम होता ना तो मैं भी करती। ये दुनिया की सबसे टेस्टी रोटी है, सच्ची। बहुत प्यार से खिलाया इन्होंने, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। अब हम गोल्डन टेम्पल के लिए निकल गए हैं, होपफुली टाइम पे पहुंच जाएं और बहुत अच्छे से दर्शन हो जैसे गोंदवाल साहब में हुए। सच्ची मम्मी की बहुत 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 याद आई, और सच्ची ऐसा लगा मॉम के घर आए हैं।
और ये है गोल्डन टेम्पल का लंगर। इसमें मुझे खीर भी मिली थी और कड़ी भी मिली थी, ठीक है, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि बहुत टेस्टी था लंगर, तो मैं बिजी हो गई खाना खाने में। तो कल हम बिल्कुल भी कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। क्यों थक गए थे मैं आपको बता देती हूँ। गोंदवाल साहिब से गोल्डन टेम्पल का रास्ता 1 ही घंटे का है, ओनली 1 आवर, बट इट टुक अस 2 आवर्स, है ना। और ये हमारे साथ एक्चुअली दूसरी बार हो चुका है कि हमने अमृतसर में गूगल मैप्स की बात सुन के हम फंस चुके हैं इतनी इतनी पतली पतली गलियों में। तो एडवाइस देना चाहेंगे सिकंदर आप कुछ के? Don't follow GPS. तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि आप गूगल मैप्स को मत फॉलो करो अमृतसर में। आप लोगों से पूछ लीजिए कि जो पास में एक पेड पार्किंग है गोल्डन टेम्पल के पास में, बिल्कुल पास में वॉकिंग डिस्टेंस पे पेड पार्किंग है बहुत बड़ी, आप उसके बारे में लोगों से, जो बहुत है रस्ते में लोग इंडिया में बहुत पॉपुलेशन है, आप किसी को भी पूछेंगे तो वो आपको बहुत अच्छी तरीके से गाइड करेंगे। सो प्लीज डू दैट एंड डू नॉट लिसन टू गूगल मैप्स। एंड पर हाँ, जब हम एक बार गोल्डन टेम्पल पहुंच गए, हमें अच्छा सा दर्शन हो गया हमारा, बट वी वर सो टायर्ड। एक्चुअली वो जो स्ट्रेस हो जाता है ना जब आपकी गाड़ी इतनी पतली गलियों में फंस जाती है, ओ लॉर्ड, बिकॉज आगे से भी लोग आ रहे हैं अपनी बाइक और रिक्शाज और काइनेटिक लेके, पीछे से भी आ रहे हैं, दे डोंट केयर अबाउट कि आपकी गाड़ी स्टक है क्या है, वो आपको एडवाइस दे देंगे, अरे आप यहाँ पे क्यों, अच्छा गूगल मैप्स की बात आपने मानी और इसीलिए फंस गए, यहाँ पे बहुत लोग फंस जाते हैं ऐसे। अरे यार हमें पता है, हम भी फंसे हैं और ये दूसरी बार हो चुका है। सो यस, इस बार जो अगली बार हम ये कभी नहीं करेंगे। सो यस, आप पेड पार्किंग ढूंढिए, किसी को पूछ के ढूंढिए बार। और अब हम अमृतसर से निकल रहे हैं चंडीगढ़ के लिए, बिकॉज मेरी जो रिटर्न फ्लाइट है वो चंडीगढ़ से है, तो वहाँ से देखते हैं, अगर टाइम पे पहुँच गए तो मैं आपको एक जूती की शॉप पे लेके जाऊँगी और जहाँ से मैं वड़ियाँ और वो सब लेती हूँ वहाँ पे भी लेके जाऊंगी, और अगर टाइम मिला तो जहाँ गुड़ बनता है वो भी आपको दिखाऊंगी, क्योंकि ये जो टाइम है यहाँ पे फ्रेश पंजाब में या नॉर्थ में गुड़ बनता है, तो वो आपको एक हट्टी दिखाऊंगी। मेरे घर में वैसे ही बहुत सारा गुड़ पड़ा है, तो आई वोंट बाय टू मच बट आई शो इट टू यू। और हाँ, हमने इसीलिए भी रिकॉर्ड ज़्यादा नहीं किया वहाँ पे, बिकॉज जब आप गुरुद्वारे जाते हो ना पहली बार, तो आप अपने पीस ऑफ माइंड के लिए जाते हो, अपने दिल की शांति के लिए जाते हो, तो वहाँ पे आपको मन नहीं करता कि आप ज़्यादा ऐसे, मतलब ये हो रहा है वो हो रहा है ऐसे करने की कुछ करिए। हम बॉम्बे से आए हैं तो यू नो वी वॉन्टेड दैट शांति, पीस ऑफ माइंड, तो कुछ बिकॉज ऑफ दैट मैं ज़्यादा नहीं, मुझे मेरा मन नहीं था कि मैं रिकॉर्डिंग करूं और कुछ बोलूं। मैंने थोड़ी सी क्लिप्स ले ली थे जो आपने देखे, एंड ऑल्सो वहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं है बहुत जगह पे, एंड आई रियली अंडरस्टैंड क्यों उन्होंने ये रूल बनाया है, बिकॉज यू नो यू वहाँ पे लोग, मैंने नोट किया कि वीडियो कॉल कर रहे थे, एंड यू नो आप एक जब आप किसी भी ऐसे स्पिरिचुअल जगह पे जाते हो, रिलीजियस जगह पे जाते हो, आप अपने मन की शांति के लिए जाते हो, एंड मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी और जो 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 वहाँ पे पाठ कर रहा है, पूजा कर रहा है या मेडिटेट कर रहा है, आपको उनकी एक रिस्पेक्ट रखनी चाहिए और जोर जोर से बातें नहीं करनी चाहिए, या आपको किसी और को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो आई रियली रियली होप कि अगर आप ये देख रहे हैं, और अगर आप, आई अंडरस्टैंड कि आप अपने नियर डियर के साथ में वो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, और आजकल बिकॉज यू नो यू हैव वीडियो कॉल ऑन योर फिंगर टिप्स, तो आप वो कर सकते हैं, बट आई होप, आई नो कि ये किसी को शायद ना समझ में आए, बट प्लीज यार मत करना, कोई वहाँ पे पाठ कर रहा होगा, कोई अपने कुछ अपने दुख दर्द अपने शेयर कर रहा होगा मन ही मन, उन्हें वो एक पीस ऑफ माइंड दे दीजिए और डिस्टर्ब ना कीजिए।
चाहिए. वैसे ही वहाँ पे थोड़ा क्राउडेड होता है और इट्स chaotic, तो लेट्स जस्ट रिस्पेक्ट एवरीबडीज स्पेस. आई मस्ट से. सो कीप दैट इन माइंड. ठीक है, अगर आप कभी गोल्डन टेम्पल जाएं, रिकॉर्ड कर लीजिए, चुपचाप ऐसे रिकॉर्ड कर लीजिए जितना आपने करना है, जैसे हमने भी वही किया. बट ऐसे वीडियो कॉल और ये सब मत कीजिए और जोर जोर से ऐसे बातें मत कीजिए. स्पेशली लाइन वगैरह में जहाँ पे ऑलरेडी. हाँ, और लाइन में कभी कभी लोग, पता है, जब आप लाइन में लगते हो तो ऐसे एक डिस्टेंस बनाओ ना, ऐसे चिपक के, ऐसे मतलब ये आप हो तो वो आगे से आपको पीछे से धक्का देते रहते हैं, साइड से धक्का देते रहते हैं. कीप कटिंग यू, ये सब भी मत कीजिए यार. सबका नंबर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है. क्यों नहीं आएगा? बहुत अच्छी तरीके से अरेंजमेंट की है सबने. आपका नंबर आएगा, आपका दर्शन होगा. सो लेट्स नॉट यू नो पुश समबडी, और किसी का एक्सपीरियंस मत खराब कीजिए. तो रिस्पेक्ट द अदर पर्सन्स प्राइवेसी, देयर स्टेट ऑफ माइंड, उनका भी एक दर्शन. तो प्लीज, ओके, सिकंदर तुम आगे आ रहे हो. आई हैव टू पुल हिम एंड पोस हिम. तो यस, सॉरी सिकंदर. सिकंदर करा रहा है चेकआउट. प्रसाद है मेरे हाथ में. वी गो. पहुंची है, छेती चढ़ाई है कुड़ी को फ्लाइट पे. जब भी मैं चंडीगढ़ आती हूँ तो मैं यहाँ से ज़रूर सामान लेके जाती हूँ. एंड अभी विंटर्स हैं तो यहाँ पे गजक मिलेगी और काफ़ी और कुछ चीज़ें मिलेंगी, तो वो तो लेके जाना बनता है. तो लेट्स सी, आपको दिखाते हैं क्या क्या लेकर आते हैं. ये है खालसा दुकान का नाम, और यहाँ से हम लेंगे हमारा सारा सामान. हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं और मुझे ड्रॉप एक्चुअली करना है सिकंदर ने एट द एयरपोर्ट, क्योंकि कल मेरी शूट है तो मुझे वापस जाना ही पड़ेगा. और सिकंदर वहाँ से जाएगा दिल्ली. सो हमें इसीलिए बहुत जल्दी जल्दी वाली ट्रिप करनी पड़ी और आपको कुछ ज़्यादा हम दिखा नहीं पाए. जैसे गुड़ वाली चीज़ रह गई, वो नेक्स्ट टाइम ज़रूर आपको दिखाएंगे. और जुत्ती भी रह गई. एक्चुअली मेरे जैसे पिंकी टो पे जैसे वो लगा हुआ है, अभी भी दुख रहा है. सो देयर इज नो पॉइंट बाइंग अ जुत्ती. तो इसीलिए फिर मैं जुत्ती लेने भी नहीं जा रही, बिकॉज यू नो वो एनी विच वेज मुझे अनकम्फर्टेबल होगी. तो मैं यूजुअली एक जुत्ती तो लेके ही जाती हूँ जब भी मैं चंडीगढ़ आती हूँ. तो इस बार मैं नहीं ले पा रही हूँ जुत्ती, बिकॉज मेरी पिंकी टो पे ऑलरेडी लगी हुई है. तो जब ट्राई करूँगी तो इट विल बी वेरी अनकम्फर्टेबल. सो देयर विल बी नो पॉइंट ऑफ ट्राइंग थिंग्स. कम्फर्ट का पता नहीं चलेगा और टाइम भी नहीं है. सो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ज़रूर जुत्ती भी लेंगे और आपको दिखाएंगे कि मैं कहाँ से जुत्ती लेती हूँ. सो यस, अब हम जा रहे हैं चंडीगढ़ एयरपोर्ट, जो गूगल मैप्स बता रहा है 37 मिनट्स. 35 नाउ. बाय सिकंदर. बाय. सी यू सून. आई एम गोइंग. आई बॉट माय सेल्फ आइसक्रीम. चंडीगढ़ आई और मैं अपने मासी को नहीं मिली. मासी से मिलना रह गया, पर कोई बात नहीं, बहुत 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 टाइट शेड्यूल था. अगली बार ज़रूर मिलूंगी और आपको भी मिलाऊंगी मेरी प्यारी सी मासी से. ठीक है, तो इसी के साथ में हम ये व्लॉग एंड करते हैं. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.